दीदी की हल्दी है आज हम दोनों की हल्दी है सेम डेज पे, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ तो देखो इनकी ड्रेस कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ बहुत अच्छी लग रही है, होती तो पर हमने रखा नहीं। हेलो, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। सब अपनी हेयर स्टाइल बना रहे, इतनी देर से बनी नहीं रहा है। तो गाइस ये देखो हल्दी आ चुकी है, ये छोटी सी दुल्हन है। अम्ब्रेला के अंदर फ्लावर भरे गए हैं लगे। तो ये ईशा दीदी, मम्मा तुझको जा रही है मेहंदी। तो मेहंदी के लिए हम सब ने ड्रेस चेंज कर लिया है, और ये है ईशा दीदी, ग्रीन सबने ग्रीन पहना हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ईशा दीदी की एंट्री हो रही है अभी। तो गाइस यहाँ पे ये मेहंदी डेकोरेट कर रहे हैं, अभी ये मेहंदी लगाएंगे सबके। बच्चों थोड़ा साइड हो जाओ, बस बस हैप्पी बर्थडे। अरे वो थोड़ा अंदर से आ गई। तो गाइस अभी मेरे फ्रंट में मेहंदी लगी है, अभी बैक में लगना बाकी है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मेहंदी कैसी लग रही है।
मैंने स्पेशली दिल्ली से बुलवाया था मेहंदी लगवाने के लिए। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपकी शादी है या नहीं है, आपकी शादी है या नहीं है। तो मैंने मेरी दीदी की शादी है, मेरी शादी नवंबर में है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही थी, ठीक है ना। क्या हो रहा है? तो गाइस अभी रात के देखो कितने बज रहे हैं, 1:30 हो रहे हैं और अब जाके हमारी मेहंदी कंप्लीट हुई है, मेहंदी लगी है। ईशा दीदी तो अभी अभी फ्री हुई है, मतलब कि 4 घंटे से लग रही थी ना मेहंदी, 8 बजे समथिंग, क्योंकि पैर में भी लगी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी मेहंदी। ये बाकी क्या कर रही है, बिगाड़ दे रही हो, कह रही है शगुन की मेहंदी बिगड़ जा रही है। साड़ी उठाओगी? बहुत ही ज्यादा भर दिया मेरी मेहंदी, कैसी है देखे। ये देखो गाइस, और आपको मैं बता दूं कि ईशा दीदी की शादी है ना कि मेरी है। मेरे को गलत कमेंट मत करो कि अटेंशन लेने के लिए मैंने बोला कि मेरी शादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी शादी नवंबर में, ये ईशा दीदी की शादी, तो मैं ईशा दीदी की शादी में इंजॉय कर रही हूँ, ओके। तो गाइस आज मेरे घर पे कोई आ रहा है, मैं दिखाती हूँ कौन आ रहा है। एक छोटा सा ट्विस्ट है, मुंबई से आ रहे हैं एक दीदी और एक भैया कानपुर से आ रहे हैं। मैं तो लखनऊ से हूँ, आपको पता ही है। ये देखो आ रहे हैं। हेलो दीदी। हेलो भैया। मैं तो डर गई। हाँ डर गई। तो आप इनको तो पहचानते ही होंगे, बताने की क्या ही जरूरत है, मुंबई से आई तो बनना दीदी। और ये ऋषभ भैया है। हेलो भैया। हेलो। पहली बार मिले। हाँ। और कितनी पुरानी दोस्ती है, और आपकी शादी में भी ये नहीं आ पाए थे। नहीं आ पाए थे, सही बात। अब याद मत करो, अच्छे से बोलने की बोलेगी नहीं मुझे। अब इसकी शादी पे आएंगे। हाय गाइस, मैं हूँ सिमरन यादव और मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि आज शादी है। और देखो मेरी मेहंदी कितनी डाग डाग रच गई है। तो गाइस ये देखो, ये है चूड़ियों का सेट। अपने लहंगे के ऊपर मैं ये चूड़ी पहनने वाली हूँ। सेट बन गया। हाय गाइस, मैं हूँ सिमरन यादव और मैं पहुंच चुकी हूँ, मेरी दीदी की शादी है आज। तो मैं आपको पूरी शादी दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहना और लाइक कमेंट कर देना। मैं दिखा रही हूँ बार बार, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। चलो तुम्हारा मुंह है, मेरा मुंह पे लाइट फोटो शूट हो रहा। क्या हुआ आंटी? मेरे पे फोकस कर रहा कैमरामैन। फोकस। हम लोग दूसरी जगह चले जा रहे हैं। ये देखो, दिख भी नहीं रही है, पीछे है कि दिख गई। हो गया, मिल गई पर्सन, पेपर दे के आ गई। डायरेक्टली वहीं से तैयार होके आ रही हो? वहीं से तैयार होके आ रही? वहाँ नहीं गई थी मैं, यहीं थी। अच्छा ओके, अच्छी लग रही हूँ। अभी आ जाए एक ही फ्रेम में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। रेडी रहो, बहुत जल्द शादी होने वाली है मेरी। हाँ, अब वैसे आप आज किसकी शादी में आए हो? पता नहीं लेके आई किसकी शादी में, तो पता ही नहीं। हम चार की शादी में लेकर आए ना। हाँ काट दी ना गाइस, मैं ईसा की शादी में आया हूँ। पर ये शादी नहीं, ये तो बर्थडे पार्टी है। बोलो ना। ऋषभ भाई से पूछिए आप किसकी तरफ से आए हैं, लड़का लड़की? बोलो लड़की। नहीं नहीं, ये तो बर्थडे पार्टी है, शादी नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, वायरल हुई थी। तो गाइस अभी हम
जा रहे हैं ईशा दीदी से मिलने, क्योंकि ईशा दीदी आ चुकी हैं और देखते हैं। ऋषभ को खाना नहीं मिला, ऋषभ पूरे में खाना ढूंढ रहा है। हमने डांस वास कर लिया, रात के एक बज रहे हैं, अब खाना खाने जा रहे हैं। ऋषभ ये कह रहे हैं अभी खाना मत हटाना, खाने को फिर हटा देना। हाँ। फिर वहीं सज जाती है। अरे क्या बात है, बहुत तेज भूख लग रही है। नहीं पोटी तो चले जाओ ना। सिमरन तुम्हें भूख लग रही है? भूख लग रही है कि पोटी लग रही है? ऋषभ भैया को पोटी लग रही, कह रहा है ऋषभ, कह रहा पोटी लग रही है। ठाकुर साहब उसे पेपर पे अंगूठे लगवा लेंगे। अभी रुक जाओ। हाँ। अभी इनको हराम खाने की आदत तो बने दो। हाँ। क्या उठा रहे भैया? ये देखो एक खीरा सलाद देखा डूब रही है। हाँ ना, मिल ही नहीं रहा है। गंदी प्लेट है भाई, मेरी बिटिया को प्लेट है, इसके नाखूनों के तरीके साफ चाहिए। धूल के लगी है, चोरी करना है क्या? तो तुम प्लेट छाड़ के घर ले जाओगी क्या? नैपकिन ले लो, सब नैपकिन नहीं था यहाँ पे। अच्छा चोरी करके ले जा रहे प्लेट इतनी सारी शादी से।